अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास संधू और आप देख रहे हैं संधू सॉल्यूशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वीडियो को किस तरह से इक्वलाइज करना है और इक्वलाइज करने के कितने मेथड हैं और आपने अपने वीडियो का जो नॉइस है, बैकग्राउंड नॉइस है, उसको आपने किस तरह रिमूव करना है और अपनी वीडियो का जो है उसको आपने किस तरह कंप्रेस करना है और किस तरह से अपनी वीडियो को आपने नॉर्मलाइज करना है, ये सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने जो है प्रीमियम प्रो को कर लेना है ओपन और उसमें आपने जो वीडियो आपके अपने एडिट करनी है उसको आपने कर लेना है इम्पोर्ट। आप उसको सिंपल इधर फाइल पर जाके इधर से आप उसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और अगर आपने इसको इम्पोर्ट नहीं करना इधर से तो आप सिंपल उसको ड्रॉप ड्रैग की मदद से उसको आपने उधर उसको अपनी फाइल को सिलेक्ट करके इधर आगे उसको आप रख दें तो तब भी आपकी फाइल इधर जो इम्पोर्ट हो जाएगी। तो अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप इधर अपने जो है इधर इस बॉक्स में डबल क्लिक करके तो अपनी फाइल को इधर से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस पर अपनी जो आपने क्लिप जो है इसको जिसको अपने वीडियो को ऐड करना है आपने उस पर डबल क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। जैसे आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो आपके सामने एक जो पैनल जो है ओपन हो जाएगा। तो इधर आपके पास ऊपर नज़र आपको ऑप्शन आ रहा है एडिट क्लिप इन अडोबी एडिशन, आपने इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपकी जो फाइल है वो रेंडर होके तो आपके जो है अडोबी जो है आपका एडिशन है उसमें हो जाएगी ओपन। तो हमारी फाइल जो है इधर आप देख सकते हैं इसकी जो रेंडरिंग हो रही है, जैसे ही इसकी रेंडरिंग कंप्लीट होगी तो जो खुद ब खुद आपका जो एडिशन है वो हो जाएगा ओपन। हमारा एडिशन जो हो गया ओपन, तो इधर जो है आपकी फाइल जो है एडिशन में आ गई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो मैंने आपके आपको पहली वीडियो में मैं आपको बताया था कि आपने किस तरह जो है इसको है इसको कंप्रेस करना है नॉर्मलाइज करना है। तो हम सबसे पहले उसको जल्दी जल्दी से कंप्रेस और नॉर्मलाइज करके जो इसका जो है बैकग्राउंड नॉइस है वो कर लेते हैं ख़त्म। तो फिर इसको देखते हैं कि हमने इसको इक्वलाइज कैसे करना है। आपने सबसे पहले जाना है इफेक्ट पर, इफेक्ट पर जाके एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन पर जाके डायनेमिक्स पर आपने इसको डायनेमिक कर देना जल्दी से। ये वैल्यू आप देख लें जो मैंने इधर वैल्यू डाली है इसकी कंप्रेसर की, आपने सेम यही वैल्यू इसकी जो इस्तेमाल करनी है। ये जो है हमारा जो डायनेमिक्स जो अप्लाई हो रहा है तो अभी जो इसका जैसे अप्लाई होगा तो फिर मैं आपको अपनी वीडियो प्ले करके बताता हूँ क्या इसका क्या इफेक्ट हमारी वीडियो पर हुआ है। इसका ये होता है कि जो आपकी जो वेव्स हैं कुछ आपकी वेव छोटी होती हैं कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। ये इसकी मदद से आप ये करते हैं कि जो आपकी वेव बहुत ज़्यादा बड़ी है उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और जो वेव बहुत ज़्यादा छोटी है उससे जो थोड़ा वो बड़ी हो जाती है। उसके बाद हमने अपने जाना है फेवरेट पर और इसको कर देना है नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज टू 0.1 dB। ये हमारा जो है नॉर्मलाइज हो रहा है। तो जैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएगा तो इसके बाद आपने जो इसका जो है नॉइस है उसको कर देना है रिमूव। इफेक्ट पर जाना है आपने, नॉइस रिडक्शन, अडाप्टिव नॉइस रिडक्शन, ये जो वैल्यू है इसको आपने नहीं छेड़ना है, जिस तरह है इसको इस तरह ही रहने देना है। अदरवाइज जो इसका जो है अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपकी जो है वॉइस वो ख़राब हो सकती है। ये इसको आपने इस पर डिफ़ॉल्ट पर रहने देना है, ये डिफ़ॉल्ट पर ही आपको बेस्ट रिजल्ट देती है। इसको हम कर देंगे अप्लाई तो ये जो है इसकी जो नॉइस है जो इसको स्कैन करके जितनी भी आपकी जो बैकग्राउंड जिससे आपकी नॉइस आ रही है उसको ये रिमूव कर देगा। ये इसका जो बहुत ही कमाल का फिल्टर है ये वाला नॉइस रिडक्शन वाला, इसको आपने लाजमी अप्लाई करना है अपनी वीडियो पर, इससे आपकी वीडियो पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। हमारा जैसे ही ये रिमूव होता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है अपनी वीडियो को इक्वलाइज कैसे करना है। इक्वलाइज से आपकी वीडियो में बहुत ही कमाल का जो है इफेक्ट आता है। हमारी जो नॉर्मलाइज हो रही है इस पर जो है अप्लाई कर रहा है इस इफेक्ट को।
जैसे ही हमारा जो है इससे हमने जो है अपना नॉइस उसको कर लिया है, आपने ख़त्म कर लिया है, तो आपने इधर आपको एक नज़र आ रहा है इधर मीडिया ब्राउज़र, आपको सबसे पहले इस तरह जो है जो डिफ़ॉल्ट होगा इस तरह होगा, आपने इफेक्ट रैक पर कर लेना, आपने क्लिक करके अपने इफेक्ट रैक को आपने कर लेना ओपन, और सबसे पहले आपने जाना है इधर, इधर जाके इधर आपके पास एक आ रहा है फिल्टर एंड इक्वलाइजेशन, आपने इसको कर लेना ओपन, और सबसे पहले आपने करना है ग्राफिक इक्वलाइजर 10 बैंड। इधर आपके पास इस तरह की वैल्यू होगी, तो ये आपके पास जितनी हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं, अगर आपकी आवाज़ जो है काफ़ी मोटी है तो आप उसको ब्रीक कर सकते हैं। इधर से आपने इन वैल्यू को जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं इनको आपने थोड़ा थोड़ा कर देना इंक्रीज़, इससे जो आपकी वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीक हो जाएगी। हम अपने वीडियो को प्ले करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रकाश संधु और आप देख रहे हैं संधु सॉल्यूशन। दोस्तों आज आपने इसको देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके इंक्रीज करना है। आप अपनी वीडियो से बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह करेंगे, और अगर आपकी जो वीडियो की वॉइस है वो फटी फटी सी दिया तब उसको किस तरह ठीक करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल उसके बाद जो आपने दूसरा इक्वलाइजर लगाना है वो है, आपने इस पर नीचे वाले जो है दूसरे नंबर पर रैक पर जाना है, इधर आपने इस पर क्लिक करके जो दूसरा आपने इक्वलाइजर जो है मैं वो आपने इंटर करना है वो है पैरामेट्रिक इक्वलाइजर। इधर आपने जाना है लाउडनेस मैक्सिमाइजर। जैसे आप लाउडनेस मैक्सिमाइजर पर जाएंगे तो इधर आपके पास जो है दो तरह की आपको बे फ्रीक्वेंसी नज़र आएगी, एक हाई बे फ्रीक्वेंसी है और एक लो बे फ्रीक्वेंसी है, और इधर आपके पास जो है तीसरे नंबर पर आती है मिड रेंज फ्रीक्वेंसी। आपने इसको थोड़ा सा आपने कर देना डाउन। सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आपका आजकल जो है चैनल बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब हो रहा है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। जल्दी से हमारे चैनल और को थोड़ा सा आपने इसको कर देना है कि बेल के आइकन को दबा दें राइट साइड ताकि हम एक दूसरे को मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने जो है प्रीमियम प्रो और जो आप हाई पे फ्रीक्वेंसी आपने इसको थोड़ा सा कर देना है इंक्रीज, इससे जो आपकी वॉइस है वो थोड़ा सा ब्रीक हो जाएगी। ओपन, मैंने अपने प्रीमियम प्रो को कर लिया ओपन। इधर मैंने अपनी वीडियो को इसको कर लिया, जो वीडियो आप ऐड करना चाहते हैं, आप जिस वीडियो का जो है उसके आइडियो को ऐड करना चाहते हैं वो आप उसको अपने एडोबी जो है प्रीमियम प्रो में ले लें। आप इधर से इसको मैंने अपनी वीडियो के इधर ऐड कर लिया है, इधर आपने मर्जी के हिसाब से वीडियो पर राइट क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपनी वीडियो पर राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो आपके सामने एक जो है पैनल ओपन हो जाएगा। तो इधर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एडिट क्लिप इन एडोबी एडिशन, आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप अपनी इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप अपनी जो है वॉइस में थोड़ी सी आप उसको उसमें वेस ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको जो है लो वेव जो आपकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा आप कर देंगे इंक्रीज, तो आपकी जो है वॉइस है उसमें जो है थोड़ी सी आ जाएगी जो है आपका जो है एडोबी एडिशन है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। जो है इसकी जो है फाइल है रेंडर हो रही है, तो जैसे इसकी जो फाइल की रेंडरेशन कंप्लीट होगी जो आपके सामने जो है वो आपकी जो है एडोबी है जो एडिशन है वो ओपन हो जाएगी। ये हमने इसका जो है पैरामेट्रिक इक्वलाइजर लगा लिया है। अब उसके बाद जो आपने लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ, आपने जाना है एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन पर, और उसके बाद आपने जाना है हार्ड लिमिटर पर।
जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो इस तरह का आपके सामने एक जो है पैनल ओपन होगा। तो इधर आपने जो है इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो आपने 0.1 रखना है। इससे आपने इसको इनक्रीज नहीं करना। अगर आप इससे इसको इनक्रीज करेंगे तो जो आपकी वॉइस है वो फटी फटी सी होगी। तो आपने इसको माइनस जो है 0.-1 पर रखना है। तो आपका जो इनपुट बूस्ट है उसको आपने 6 dB पर रखना है और इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रकाश संधु और आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस पर जो है आज की इस वीडियो में ऑफ करके और ऑन करके इसका क्या फायदा। आप अपनी वीडियो से बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह करेंगे? इसका फायदा आपको ये होता है कि जो आपकी जो वॉइस है जो बहुत ज्यादा कम जो है वेव की जो आपकी फ्रीक्वेंसी उसको जो थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, इसकी आपकी वॉइस में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। उसके बाद हम एक और फिल्टर इस्तेमाल करेंगे। हम फिल्टर एंड इक्वलाइजर पर जाएंगे और उसके बाद FFT फिल्टर जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। इस पर जो है हम जो आपकी रंबल पीछे से आपकी जो रंबल आ रही है उसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम करेंगे किल द माउस मैक रंबल। हम जो आपकी जो माइक की रंबल आ रही है उसको जो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और अगर आपकी जो वीडियो की वॉइस है वो फटी फटी सी है तब उसको किस तरह ठीक करेंगे? आज की इस वीडियो में मैं ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आपका आजकल जो है चैनल बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब हो रहा है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि हम एक दूसरे को मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें। जो है हमारी वॉइस थोड़ी सी ज़्यादा ब्रीक है तो हम इसको करेंगे जो आपकी इधर से इसको जो है आपकी हाई वेव फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कर देंगे कम। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने जो है प्रीमियम प्रो है उसको कर लेना ओपन। मैंने अपने प्रीमियम प्रो को कर लिया ओपन। इधर मैंने अपनी वीडियो को इसको कर लिया, जो वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं आप जिस वीडियो का जो है उसके आइडियो को ऐड करना चाहते हैं वो आप उसको अपने Adobe जो है प्रीमियम प्रो में ले लें। आप इधर से इसको मैंने अपनी वीडियो के जरिए ऐड कर लिया। उसके बाद जो है हमारा पैरामेट्रिक इक्वलाइजर है उसको हम करेंगे थोड़ा सा एडिट करेंगे उसको। इधर जो आपकी लो वेव फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा सा हमने करना है इंक्रीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रकाश संधु और आप देख रहे हैं संधु सॉल्यूशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Adobe एडिशन के बारे में। अगर आप अपनी वीडियो से बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह करेंगे? और अगर आपकी जो वीडियो की वॉइस है वो फटी फटी सी है तब उसको किस तरह ठीक करेंगे? आज की इस वीडियो में मैं ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आपका आजकल जो है चैनल बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब हो रहा है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि हम एक दूसरे को मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने जो है प्रीमियम प्रो है उसको कर लेना। आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इधर आपको जहाँ पर आपकी वॉइस क्लियर हो आपने वहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। इधर से जैसे ही आप सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो इधर से आपने इसको कर देना है अप्लाई ओपन। मैंने अपने प्रीमियम प्रो को कर लिया ओपन। इधर मैंने अपनी वीडियो को इसको कर लिया, जो वीडियो आप ऐड करना चाहते हैं आप जिस वीडियो का जो है उसके आइडियो को ऐड करना चाहते हैं वो आप इधर से हमने जैसे आपका जो सारा एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो आपने इसको अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो तब जो इसका जो कंप्लीट इफेक्ट है आपने को फौरन देखने को मिलेगा।
उसको अपने अडोबी जो है प्रीमियम प्रो में ले लें। आप इधर से इसको मैंने आप इधर मैं आपको चेक करवाता हूँ, दोनों वॉइस जो हमने एडिट की है इन दोनों में जो फ़र्क है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। पहले आप जय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं विकास संधू और आप देख रहे हैं संधु सॉल्यूशन। और अब आप जो है हमारे प्रीमियम की वॉइस जो वो आप सुन ले। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अडोबी एडिशन के बारे में। अगर आप अपने वीडियो से बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह करेंगे, और अगर आपकी जो वीडियो की वॉइस है वो फटी फटी सी है तो आप उसको किस तरह ठीक करेंगे। आज अब मैं आपको जो अपनी एडिशन की वॉइस है वो आपको मैं सुनाता हूँ, आपको जो आवाज़ या फ़र्क देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अडोबी एडिशन के बारे में। अगर आप अपने वीडियो से बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो किस तरह करेंगे, और अगर आपकी जो वीडियो की वॉइस है वो फटी फटी सी है तो आप उसको किस तरह ठीक करेंगे। जैसे आपकी जो है एडिटिंग जो है कम्प्लीट हो जाए तो आपने इधर सिंपल आपके जो अपने कीबोर्ड से इसको करना है कंट्रोल एस, तो जो ऐसे आप कंट्रोल एस करेंगे जो आपकी फाइल है वो सेव हो जाएगी, और आपने इसको कर देना है ऑफ़। इधर से आपने इसको कर देना है क्लोज कर देना है, तो जैसे आप इसको क्लोज करेंगे तो ये आपकी जो फाइल है वो इधर ब खुद इधर नीचे देख सकते हैं, वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी इधर। ठीक, इस वीडियो में मैं ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बस इतना सा काम है आपको। अगर हमारी वीडियो की कहीं से भी समय ना लगी हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें ग्रो करने में मदद करें हमारी। आज के लिए इतना ही, बस दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।